أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा, खेती उजड़ रही थी शह मशरक़ की, मैदान से आ रही थी सदा ये हुसैन की, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा, आओ घोड़े से मैं गिरता हूँ, संभालो अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे अम्मा, तुमने तो बड़े नाज से पाला था मुझे, लड़खड़ाते हुए चलने से संभाला था मुझे, आखिरी बार कलेजे से लगा लो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे घुटनियों चलता तो तुम साथ, मेरे चलती थी अपनी आँखों को मेरे तलवों से तुम मलती थी, चोर जख्मों से हूँ मैं मुझको संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे मैं बहुत तन्हा हूँ, अब कोई मुझे आस नहीं, देखो अकबर नहीं खासिम नहीं अब्बास नहीं, तुम नजफ से ज़रा बाबा को बुला दो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। रे चलखने आ
सितम कैसा ये दिखलाया है। तीन दिन हो गए पानी भी नहीं पाया है। जा बलब प्यास से हूँ मुझको संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। ऐसे है जख्म बदन जान चली जाती है, खून बहता है बहुत, नींद सिया जाती है। आके आगोश में अब मुझको सुला लो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। रे होने वाली असर के साथ ही उजड़ेगा मदीना अम्मा, आओ अब कर वो बला आके संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। आओ घोड़े से मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب الدين وهو الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله لزبانكم رجسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد خالق الكائنات آل محمد کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے ارشاد رب العزت اور کہ اہل بیت ہم نے آپ کو ہر رجس سے پاک و پاکیزہ رکھا اور ایسا پاک رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے سلوات پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ خالق کائنات یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاک کیا، خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاک رکھا، پاک کرنے میں اور پاک رکھنے میں بہت فرق ہے، پاک رکھنا اور بات ہو جاتی ہے اور پاک کرنا اور بات ہو جاتی ہے، کسی شے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ میں نے اسے پاک کر دیا ہے تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ پہلے اس میں شک تھا، اب ہم نے پاک کیا ہے تو یہ پاک ہوا ہے، اب یہ طاہر ہوا ہے۔ دوسری شے کے لیے ہم نے کہا کہ اسے میں نے پاک رکھ دیا،
तो इसके मानी ये निकलते हैं कि पहले ही से पाक पाकीज़ा है, मैंने उसे पाक रखा है। खालिक कायनात आले मोहम्मद के लिए ये नहीं कह रहा है कि हमने पाक किया, खालिक कायनात ये कह रहा है कि हमने इन्हें पाक रखा है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। तो यकीनन आप देखें कि ये ऐसे तैयब तायर है या ऐसे पाको पाकिजा है कि अगर इनकी मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए तो वो पाको पाकिजा हो जाता है, वो तैयब ताहिर हो जाता है। तो जब वो पाको पाकिजा हो जाता है, वो तैयब ताहिर हो जाता है, तो आले मोहम्मद की तहारत का अंदाजा हम कैसे लगा पाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। इनकी अजमतों का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। देखिए आले मोहम्मद खुलावा मोजिजा है, और सबसे बड़ा मोजिजा ये है कि आले मोहम्मद को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। जिस तरीके से कुरान मोजिजा उसी तरीके से आले मोहम्मद मोजिजा, ना कुरान कोई समझ पा रहा है ना आले मोहम्मद कोई कोई समझ पाता। सिर्फ फजाइले अहले बैत को देख लीजिए कि जो जब फजाइले अहले बैत बयान किए जाते हैं तो जबानें बदलती रहती हैं, फजाइल वही होते हैं। जैसे जबान बदलती है वैसे ही लुत्फ आता है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। हजारों जाकिर और खतीब हैं, सब फजाइल अहले बैत बयान कर रहे हैं, मगर हर एक का अंदाज अलग हो जाता है। बेशक जहां अंदाज बदलता है तो देखिए वाकिया वही पढ़ा मगर अंदाज उनका बहुत प्यारा था, समझाने का अंदाज अच्छा था, लिहाजा ऐसा समझाया कि आज तक हमें समझ में नहीं आया था, मगर आज उनकी बात हमारे दिमाग में बैठ गई है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद, उनकी बात समझ में आ गई है। तो ये ज़बानों में तासीर कहां से आई, ये तहारत कहां से आ गई? क्या जाकिर इतने हैं, मुजिजा एक है? क्या ये असर आया है मीसा में तम्मार से, अबू ज़र ग़फ़ारी से, मिक़दार से, अम्मारे यासिर से? ऐसी ज़बानों में तहारत थी कि वो असर आले मोहम्मद के चाहने वालों में आ गया। और जब जब आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं तो नया अंदाज होता है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। तथीर का नुज़ूल उस वक्त हुआ है कि जब पांच तन एक चादर में यकजा हो गए, जब चादर में यकजा हो गए तो सरवरे कायनात ने चादर के दोनों कोनों को पकड़ा और पकड़ का कहा कि परवरदिगार यही मेरे अहले बैत हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब ये कहा यही मेरे अहले बैत हैं तो खालिक कायनात ने इन नमा का पहरा लगा दिया। अब कसीदा कौन पढ़ रहा है? सरवरे कायनात ने तो सिर्फ बताया है कि ये मेरे अहले बैत हैं। कसीदा पढ़ने वाला खालिक कायनात है, मलाइका के मजमे में से जो मलाइका का सरदार था, उसने सवाल किया माबूद इस चादर तले है कौन? वाह 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 वाह। अब जो चादर तले की बात आई तो खालिक कायनात ने चादर तले जो हजरात थे उनका तारुफ करवाया, क्या इसमें फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के दोनों बच्चे हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। कायनात ने कहा कि हमने इन्हें ऐसा तैयब ताहिर ऐसा पाको पाकीज़ा रखा जो पाक रखने का हक है। चादर से एक नूर छन रहा था, फिजाओं में फैल रहा था, फलक पर फलक जा रहा था, मलाइका के मजमे में पहुंच रहा था। यहाँ तक कि मलाइका ने कहा ये नूर कौन सा नूर है? जिब्राइल जो रोज आते थे रोज जाते थे, मगर उसी जिब्राइल ने सवाल किया था। तो खालिक कायनात ने कहा ये नूर इलाही है या हमारा नूर है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। अब इस नूर की ताकत को देखे इंसान, इस नूर की शुजात को देखे, इस नूर के इल्म को देखे। अगर इल्म देखना है तो अली में देखे, शुजात देखना है
तो अली में देखे, सखावत देखना है तो अली में देखे। ये घराना ऐसा घराना है कि यहाँ इल्म को देखता है तो इल्म का समंदर बह रहा है। शुजात को देखता है तो हर मैदान में अली के सिवा कोई शुजा नजर नहीं आता। अली जब मैदान में पहुंचते थे तो ये नहीं देखते थे कि हमारे साथ कौन कौन चल रहा है। जिस मैदान में पहुंचे तो अपनी ताकत पर भरोसा किया, अपनी शुजात पर यकीन किया कि हमारे बाजुओं में ये कुव्वत जो है वो कुव्वत इलाही है। जब जो तलवार चलेगी तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल रही है। और हर मैदान में मेरे मौला को देख लिया, चाहे वो जंगे सिफीन हो, चाहे जंगे नहरवान हो, चाहे जंगे जमल हो, हर जंग में फतह का ताज मेरे मौला ने पहना है। कामयाबी अली के हाथ में है और इसीलिए सरवर कायनात ने ऐलान किया कि या अली तुम कामयाब और तुम्हारे शिया कामयाब। पर दो ही कामयाब हैं, या जाते अली कामयाब है या अली का शिया कामयाब है, और कोई कामयाब हो ही नहीं सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाए तो अली के मुहिब बन जाओ। जिस दिन अली की मुहिब बन गए तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इबादत में देखिए तो अली जैसा आबिद नजर नहीं आएगा, सखावत में देखिए तो अली जैसा सखी नजर नहीं आएगा। इबादत के क्या आलम है कि अली इबादत कर रहे हैं और जंग में पैर में तीर लग गया है, उस तीर को कोई निकालने की गरज से छू लेता था तो मेरा मौला तड़प जाता था। मगर जब बीबी जाहरा से पूछा गया, बीबी ये बताइए कि अली के पैरों में तीर लगा है, पैर में कैसे निकाला जाए, क्यों कर निकाला जाए, मेरी शहजादी ने कहा कि जब अली महवे इबादत हूं तो उस वक्त पैर से तीर खींच लिया जाए। मेरा मौला महवे इबादत हुआ, पैर से तीर खींच लिया गया। कौन सा तीर खींचा गया है? जो तीर पकड़ लिया जाता था तो ईमान तड़प जाते थे, वही तीर पैर से खींच लिया गया मगर नमाज में कहीं फर्क नजर नहीं आया। इसे कहते इश्क नमाज। मेराज नमाज को मेराज दिलाने वाला मेरा मौला अली है। अगर अली ना होते तो नमाज को मेराज ना नसीब होती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद, अली को मेराज ना होती। और यकीनन अली ने ही मेराज दिलवाई नमाज। आज नमाज को मेराज इसीलिए कहा जाता है कि नमाज इबादतों की मेराज है। क्यों? इसलिए कि सबब है अली। और जब मेरे मौला से पूछा गया, मौला पैर से तीर खींच लिया गया, वो तीर खींचा गया कि जो छू लेता था कोई तो तड़प जाते थे। मगर मौला आपको एहसास हुआ क्या? नहीं एहसास है। क्यों? इसकी वजह क्या है कि जब मैं उस माबूद हकीकी की बारगाह में जाता हूं कि जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तो फकत उस माबूद को याद रखता हूं, बाकी कुछ नहीं। उसकी मिसाल आज देख ली, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। नाम हुसैन पर कमा लगाता है बच्चा और गहरी कमा लगा लेता है। मगर उससे पूछिए दर्द हुआ, वो कहता दर्द नहीं हुआ। एक कांटा चुभने पर दर्द होता है और गहरी कमा लगाने पर दर्द नहीं हो रहा है। वजह क्या है? क्या ये इश्क हुसैन है? जैसे यहाँ इश्क हुसैन है वहां इश्क खुदा नजर आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद, कुछ नजर नहीं आता यकीन। ये इबादत का आलम है तो सखावत का भी आलम देखें। ये सखावत अली की आ गई, अली जैसा सफी कहां नजर आएगा? और साल ने सिर्फ एक रोटी का सवाल किया। जब एक रोटी का सवाल किया
तो कंबर से कहा कंबर रोटी साहिल को दे दो, क्या कंबर जानते नहीं है क्या कहां खड़े हैं और किससे गुफ्तगु हो रही है और कहने वाला कौन है जो कायनात आलम का अमीर है, कायनात आलम का मुश्किल कुशा है, कायनात आलम का हाजत रवा है, वो अली कह रहा है कि रोटी दे दो। तो कंबर को चाहिए था रोटी दे देते, मगर चाहा था, कोशिश कर रहे थे कि अली की सखावत को बयान करें। गुलाम अली हैं, अली के साथ रहते हैं, अली के साथ बाजार में जाते हैं, सखावत अली को बयान करना चाहता। मगर क्या कंबर जैसे गुलाम ने सखावत अली बयान की, क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए? क्या हुआ, कंबर ने कहा कि मौला रोटी जो है वो दस्तरखान में है, तो मैं दस्तरखान के दे दो। मौला वो दस्तरखान जो है वो संदूक में बंद है, क्या मैं संदूक के दे दो? क्या मौला वो संदूक जो है वो नाके की पुष्प है, क्या मैं नाके के दे दो? क्या मौला वो नाका जो है वो सब में है, कतार में है, क्या मैं सब के दे दो, मैं कतार के दे दो? तो जल्दी से कंबर ने ऊंटों के मिहार छोड़ी और दूर पर जाकर खड़े हो गए। मेरा मौला मुस्कुराने लगा ये मंजर देखकर, कंबर क्या हुआ ये दूर पर जाकर खड़े हो गए, ऊंटों के मिहार छोड़ दी? तो मौला हम तो ये चाहते थे कि आपकी सखावत बयान करें। ना कहा मौला मैंने कहा रोटी दस्तरखान में है, तो आपने कहा मैं दस्तरखान के दे दो। मौला मैंने कहा दस्तरखान जो है वो संदूक में है, आपने कहा मैं संदूक के दे दो। मौला मैंने कहा वो संदूक जो है वो नाके की पुष्प है, मौला आपने कहा कि मैं नाके के दे दूं। मैंने कहा कि नाका जो है वो सब में है, कतार में है, क्या आपने कहा मैं कतार के दे दूं? मौला अगर मेरी जबान से ये निकल जाता तो ऊंटों की मिहार जो है कंबर के हाथ में है, तो मौला आप मुझे भी कहते थे तुम भी चले जाओ। मौला मैं आज की गुलामी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद, कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। ये कंबर जैसा गुलाम है, ये गुलाम अली है जो अली का एक मुजजा एक सखावत बयान नहीं कर पा रहा है, तो आज का जाकिर आज का खतीब मौला अली के फजाइल कहां बयान कर पाएगा? ये फजाइल अहले बैत की कुछ झलकियां हैं जो बयान की जाती हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। फजाइल अली का समंदर है, इसीलिए सरवर कायनात ने कहा तमाम समंदर स्याही बना दिए जाए और तमाम दरख्त कलम बना दिए जाए और तमाम जिन्हों इसे लिखने बैठेंगे तो यारी आग के फजाइल लिखे नहीं जा सकते हैं। तो जब लिखे नहीं जा सकते हैं तो बयान कैसे हो सकते हैं? तो ये फजाइल आले बैत की कुछ झलकियां हैं जो बयान की जाती हैं, और यकीनन फजाइल आले बैत अगर बयान कर दिए जाए तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। मेरा मौला कायनात का मुश्किल कुशा, कायनात का हाजत रवा, कायनात की तमन्नाओं को पूरा करने वाला, जिसने खैबर और खंदक को फतह किया, जिसने बद्र और हुनैन को फतह किया, जिसने हर मार्के को सर किया, वो मेरा मौला अली है। चाहे वो खैबर के मैदान में देखिए, चाहे खंदक में देखिए, चाहे उहद में देखिए, चाहे सिफीन में देखिए, हर जंग में फतह का ताज मेरे मौला ने अपने सर पर पहना। फतह का ताज किसी और के सर पर नजर नहीं आया, जाने वाले बहुत थे मगर कामयाब होने वाला सिर्फ एक, वह है मेरा मौला अली, इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। और जिसके लिए सरवरे कायनात कहते हैं कि या अली तुम जाओ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ साथ हैं। और जब वहां आए तो सरवरे कायनात ने फिर कहा आज कुल्ले ईमान है जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, यहां कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र का तारुक करवाया जा रहा है कि कुल्ले ईमान के मुकाबले में जो भी आता है वो कुल्ले कुफ्र होता है, वो चाहे जिस दौर में आए अगर ईमान के हक के मुकाबले में आता है तो वो काफिर होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। खैबर में क्या कह रहे हैं,
کہ خیبر میں عالم کو نظر کر کے بتا رہے ہیں کل میں اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا, جو بڑھ بڑھ کا حملہ کرنے والا ہوگا, جو خدا رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اور خدا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. یا رسول اکرم یہ 39 دن تک لوگ گئے اور واپس آ گئے, آپ نے کسی کے لیے اتنا نہیں کہا. یہ 40ویں دن علم دے رہے ہیں, پہلے ہی سے یہ اعلان کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یہ 39 دن جاتے جانے والے آپ کی نگاہ میں کیا تھے؟ کہ دیکھو میں مرد کو پہچانوا رہا ہوں, باقی کو تم پہچان لینا. صلوات علی محمد آل محمد. یہ مرد کا تعارف ہو رہا ہے جو بڑھ بڑھ کا حملہ کرنے والا ہوگا, جو خدا رسول کو دوست رکھتا ہوگا. تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ 39 دن تک جانے والے نہ بڑھ بڑھ کا حملہ کر رہے تھے اور نہ زخم کھا رہے تھے, نہ زخم لگا رہے تھے, نہ یہ خدا رسول کو دوست رکھتے تھے, نہ خدا رسول انہیں دوست رکھتا تھا. اور اس کے بعد 40ویں دن جب علم آیا ہے تو رات بھر شبیداری کروائی. علم کو سرور کائنات نے خیمے کے آگے نظر کر دیا اور کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یہ علم ہے, اس علم کی زیارت کرو. سرور کائنات نے کچھ کام خیبر میں کروا دیے, بعد میں کوئی یہ نہ کہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سرور کائنات نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علم سجوایا, تو پتا چلا علم سجانا سیرت رسول ہے صلوات محمد آل محمد. جہاں علم سجایا جاتا ہے وہی سیرت رسول پہ عمل کرنے والے, جہاں علم نہیں سجایا جا رہا ہے وہ سیرت رسول پہ عمل نہیں کرنے والے. دوسرا کام کروایا, شبیداری کروائی, تو رات بھر جاگو اور علم کی زیارت کرتے رہو. تو پتا چلا علم کی زیارت کرنا اور شبیداری منانا بدعت نہیں ہے, یہ سیرت رسول ہے. سیرت رسول ہے. صبح ہوئی, سرور کائنات نے خیبر میں علم اٹھوا دیا. جب خیبر میں علم اٹھوا دیا تو خیبر میں علم اٹھوا کے بتایا کیا علم اٹھانا سیرت رسول ہے. کیا یہاں پر جائز اور ناجائز نہ کہنا, یہ نہ کہنا کہ علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, تازے کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ علم تازے کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, جب سے سنتے چلے آ رہے ہیں یہی جملہ ہو رہا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کتنوں کے نکاح ٹوٹ گئے, آج تک صرف ٹوٹے جا رہے ہیں. اتنا کمزور نکاح کیوں پڑھوایا گیا کہ صرف علم تازیہ دیکھ کر ٹوٹے جا رہا ہے. صلوات علی محمد آل محمد. نکاح ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے. اگر آپ نے آج تک کسی کی زبانی سنا کہ بھائی فلا مفتی صاحب, فلا مولوی جو ہیں فلا جگہ پر بیٹھ کر یہ نکاح جوڑیں گے, یہ ٹوٹ جو گئے نکاح یہ پھر سے نکاح پڑھائے جائیں گے, جوڑے جائیں گے. بھائی جہاں نکاح ٹوٹ گئے تو ٹوٹ گئے, اب جو باقی آگے مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ صلوات علی محمد آل محمد. اب یہی سے سرور کائنات نے خیبر میں مرد کو پہچانوایا, اور جب مرد کو پہچانوایا تو جمل میں آ جائیے. جمل کے میدان میں اب دو طرف ہیں, میدان میں آنے والے مسلمانوں میں دو فرقے ہیں. ایک نے عورت کو ایمان تسلیم کر لیا ہے, دوسرے نے مرد کو ایمان تسلیم کرا ہے. اب یہ اختیار آپ کو ہے کہ آپ عورت کو امام مانتے ہیں یا مرد کو امام مانتے ہیں. صلوات محمد علی محمد. وہاں دو فرقے تھے جمل میں, ایک طرف عورت آ رہی تھی اور ایک طرف کائنات کا امیر, کائنات کا مشکل کشا, کائنات کا حضرت ربا. نماز صبح کے بعد مصلی سے اٹھا اور جیسے اٹھ کر باہر آئے تو بنی ہاشم کے شیروں نے چاروں طرف سے استقبال کیا. جناب عقیل کے 10 بیٹے مولا علی کے سواری کے ساتھ, جعفر کے بیٹے تو سواری کے ساتھ ہیں,
इब्न अब्बास के और भाई ये सब साथ में साथ, यानी कि यूं कहिए कि सितारों के दरमियान में आफताब चला आ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। और उसके बाद जब मजमे को देखा और फौज आदा की तरफ देखा तो देखने के बाद कहा मोहम्मद आज आप जंग करने के लिए जाएंगे। मोहम्मद ने हनफिया को भेजा और कहा मेरे लाल दांतों पर दांत दबा लिएगा और लजामों पे पैर जो है जमा लिएगा और अपनी निगाहों में दुश्मन को समा लिएगा और तलवार हाथ में रहे और आखिरी सब खबर देखिएगा, बस आखिरी सबसे खत्म करना शुरू करिएगा, दुश्मन आएगा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हनफिया ने महावीर जंग के शौर दिखाए और उसके बाद वापस आए। आने के बाद मोहम्मद हनफिया ने आने के बाद कहा कि सुबह से मैंने 7 हमले किए हैं, ये शुजात है, मगर ये शुजात अली की नजर आ रही है। और जब इमाम हसन मुस्तफा को भेजा है और इमाम हसन से कहा कि मेरे लाल ये जो ऊंट है अगर आज जिंदा बच गया तो जिस तरीके से वो जमाना याद करिए कि जब सिर्फ एक बछड़ा जिंदा रह गया था तो लोगों ने उसे पूजना शुरू कर दिया था, और अगर आज ये बच गया तो आज के बाद इसे भी पूजा जाएगा, आग का काम इसे खत्म कर देना, 30,000 का लश्कर। और इमाम हसन मुस्तफा ने तनहा जाकर वहां खत्म किया और किस तरीके से फतह पाई, जो जमल में आई थी और नाके पर बैठी थी पर्दों में, मौला अली ने उस पर, मौला अली के लाल ने उस पर वार नहीं किया, आग पतील नजा मारा और पैरों पर छोड़ दी, जब नाका जमीन पर गिरा तो मैं मिल जमीन पर गिर गई, ये पर्दों में लिपट गई और जब पर्दों में लिपट गई तो चीखने लगी कि अली का अदल देखो, अली का इंसाफ देखो, मेरे साथ ये किया है। ये सारी चीजें सामने आई और उसके बाद जंगे जमल में वो जंग का फतेह किसको मिला, इमाम हसन मुस्तफा को मिला। और जब इमाम हसन, तो इमाम हसन ने भी जंगे किए हैं, कोई ये ना कहे कि इमाम हसन किसी मैदान में नहीं गए, सिफीन के मैदान में इमाम हसन नजर आ रहे हैं, जमल में इमाम हसन नजर आ रहे हैं, नहरवान में इमाम हसन नजर आ रहे हैं। ये सुजाते अगर देखा कासिम है, कासिम की पहली और आखिरी जंग करबला के मैदान में हुई, मगर किस शान से जंग की है, क्या रोग था, क्या दबदबा था जनाब कासिम का, 13 बरस का कम सिम। अज़ाने ग्रामी आज की मजलिस 7वीं मुहर्रम की, और यकीनन 7वीं मुहर्रम को गम ज्यादा हो जाता है, एक गम प्यासों की याद बढ़ा देता है, और आज की तारीख मंसूब है जनाब कासिम इब्ने हसन के नाम, जो 13 बरस का कमसिन शहजादा, और इस कमसिन शहजादे ने वो शुजात के जौहर दिखाए करबला के मैदान में, कि जब अर्ज़ाके शामी को देख लिए कि उसने अपने चारों बेटों को भेजा और चारों बेटों ने मौत का मजा चखा, ये मौत के घाट पर उतारने वाला कौन था, का उसी हसन का लाल था जो नहरवान में भी नजर आ रहा था, जमल में भी नजर आ रहा था, सिफीन में भी नजर आ रहा था। क्या देखो हसन की शुजात कम नहीं हुई है, अगर हसन की शुजात देखना है तो करबला के मैदान में आकर देख लो, जब करबला के मैदान में आकर देखोगे तो हसन की शुजात फिर एक नया अंदाज में दिखेगी, वो नया अंदाज जो है वो कासिम के नाम पर आएगा। जनाब कासिम ने मौत का जायका बताया, खुदा लानत करे जोदा बिनते अशस पर कि जिसने इमाम हसन मुस्तफा को जहर दिया, और इमाम हसन दुनिया से रुखसत होते और रुखसत होने से कबल इमाम हसन
जनाब कासिम के बाजू पर एक तावीज बांध गए थे। तारीख में मिलता है कि जब जोदा बिनते असस ने इमाम हसन मुस्तफा को जहर दिया और इमाम जहर के आलम में तड़प रहे हैं, और जब जहर के आलम में तड़प रहे हैं तो जैसे ही उम्मे फरवा ने देखा कि मेरा आका सैने खाना में तड़प रहा है, तो उम्मे फरवा ईमान के सराहने आती हैं, और जब ईमान के सराहने आई तो कहा उम्मे फरवा खुदा की कसम मुझे जोदा ने जहर दे दिया है। इमाम जहर के आलम में तड़प रहे थे कि एक मरतक उम्मे फरवा मेरे पास से तुम ना जाना, वक्त आखिर है। उम्मे फरवा ने लगन लाकर रखी, जिगर के टुकड़े कट कट कर लगन में गिरने लगे, दहन से लहू जारी है। कहा मैं शहजादी जैनब को क्या खबर कर दूं? कहा नहीं उम्मे फरवा आप ना जाइएगा, मेरा कासिम जाकर खबर कर देगा। शहजादी उम्मे फरवा कहती हैं कि मेरा कासिम तो अभी बहुत कमसिन है, कैसे जाकर खबर देगा, यह रात का अंधेरा है, कैसे बताएगा। कहा मैं कासिम को ऐसा बना दूंगा कि जैनब देखेगी तो खुद पहचान लेगी। जनाब कासिम को अपने बाग में बैठाया और बैठाने के बाद आस्तीनों को चाय कर दिया, गलेबान को चाय कर दिया, सर के बालों को परेशान कर दिया, कुछ खाक उठाते हैं सर पर डालते हैं, खून रुखसारों पर मलते हैं और कहते मेरे लाल कासिम अपने फूफी के पास चले जाइएगा, और फूफी जब कहें तो ये कह दे कि बाबा ने ये बनाया है। जनाब कासिम जब पहुंचे हैं तो दखल बाहर किया, क्या अम्मा फिजा कौन है जो रात के अंधेरे में आया है कि एक मरतबा शमा को रोशन किया जाता है। और जनाब फिजा आगे आगे है, उम्मे फरवा पीछे पीछे, जनाब जैनब पीछे पीछे है कि एक मरतबा दरवाजा खोला आधे कह कमसिन शहजादा है। क्या उम्मे कहती माँ फिजा जरा शमा को नीचा करिए, अम्मा फिजा शमा को नीचा करिए। जैसे ही जनाब फिजा ने शमा को नीचे किया, जनाब जैनब देखती तो मेरे भाई की निशानी नजर आ रही है, मेरा कासिम नजर आ रहा है। ए कासिम ये आलम किसने बनाया है, रुखसार पे खून किसका है, सर के बालों को परेशान किया है, आस्तीने फटी हुई है, गले बांध चाक है। कहा कि एक मर्तबा कहा कि मेरे बाबा ने मुझे बनाया है। बस जैनब ने अपने लाल कासिम को उठाया, ए अम्मा फिजा जैनब उजड़ गई है, मेरा भाई रुखसत हो रहा है। और जब जनाब इमाम हसन मुस्तफा से किसी ने कहा ए आका है कि जाने वाली बहन जैनब आ रही है, कहा ऐसा है कि लगन पर कपड़ा डाल दिया जाए, मेरी बहन जैनब बर्दाश्त ना कर पाएगी। और जो लगन पर कपड़ा डाल दिया गया, मैं कहूंगा आका आपने लगन पर कपड़ा डाल दिया, जिगर के टुकड़ों पर नजर ना पड़े। आए वही जैनब भाई जो करबला के मैदान में 72 लाशें देख रही है, कभी अली अकबर के सीने पर बरसी देख रही है, कभी कासिम के लाल के टुकड़े देख रही है। हाँ वही कासिम है। जाते जाते कासिम के बाजू पर एक तावीज बांधा और कहा मेरे लाल जब सख्त से सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोलिएगा। बस करबला के मैदान में जब जनाब कासिम इजाजत मांग रहे है, मगर इजाजत नहीं मिल रही है कि एक मरतबा गोशे में आकर बैठ जाते हैं। जनाब उम्मे फरमा आती है, देखा नींद से बेदार हुए है, ए कासिम अभी तक आप बैठे है, क्या इरादा है? एक बेवा की लाज आपके हाथ में है। मैं कहा कि सुबह से कई बार जा चुका हूँ, मैं कहा चचा मरने की इजाजत नहीं देते है, अरे किसी तरीके से मरने की इजाजत मिल जाए। कहा मेरे लाल आके बाबा ने एक तावीज बांधा था और कहा था कि जब सख्त से सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोलिएगा। ए मेरे लाल इससे ज्यादा सख्त वक्त कब पड़ेगा, क्या कब चचा नलकाए आधा में गिरा है? तावीज खोला, बाबा की तहरीर पर गौर करते है, आंखों से लगाते हैं, सर से लगाते हैं, सीने पर रखते हैं। ए बाबा आपने इजाजत दिला दी है, ये कहकर चचा के पास आए, चचा के गले में बाहें डाल दी है। ए चचा अब मरने की इजाजत मैं मांगूंगा नहीं है, ये बाबा की तहरीर पर नजर कर लिए। भाई ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से आंसू टपकने लगे, कासिम को गले से लगाया था कि एक मर्तबा का भैया आपको आज का ख्याल था,
کہ کربلا کے میدان میں میں تو نہ رہوں گا, مگر میری طرف سے میرے قاسم کو اجازت دے دینا. قاسم کو اجازت ملتی ہے, حسین اتنا گریا کرتے ہیں کہ قاسم کو بھی غش آ جاتا ہے, حسین کو بھی غش آ جاتا ہے. اور جب غش افاقہ ہوئے, ایک مرتبہ قاسم کو کرتا پہنایا, گلے باندھ چائے کر دیا, آستینوں کو بھار دیا. جناب زینب نے سوال کیا, میرے ماجائے حسین آپ نے قاسم کو کیا کر دیا ہے؟ کہا قاسم کو میں نے یتیم بنا دیا ہے, اگر اشتیا میں کوئی رحم دل ہو جو اسے یتیم سمجھ کو چھوڑ دیا جائے. میں کہا کیسے یتیم سمجھ کو چھوڑا جاتا ہے؟ ارے کربلا کے میدان میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے. قاسم آواز دیتے ہیں, اے چچا میری مدد کو آئیے. عباس علی اکبر آگے بڑھتے ہیں, حسین آگے بڑھتے ہیں, چاہتے قاتل قاسم کو واصل جہنم کریں. مگر اسی درمیان میں قیامت آ جاتی ہے, ساری فوج قاسم پر سے گزر جاتی ہے. قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے. ایک نئی آواز آ رہی ہے, اے چچا میری مدد کو آئیے. حسین جب میدان میں پہنچے ہیں, قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا. قاسم کو آواز دے رہے ہیں, اے میرے لال قاسم کہاں ہوا؟ ارے چچا تمہارا آواز دے رہا ہے, کوئی آواز نہ آتی ہے. پھر آواز دیتے میرے لال قاسم, ارے آپ کا چچا آواز دے رہا ہے. میں کہا کوئی جواب نہ ملا. ایک مرتبہ جناب قاسم کو آواز دینے کا انداز بدلتے ہیں, اے میرے لال قاسم, ارے آپ کا امام وقت آواز دے رہا ہے. بس قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوتے ہیں, حسین کلیجہ تھام لیتے ہیں. عباس علی اکبر نے دامن پھیلایا, حسین نے دامن پھیلایا, میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے سے بیٹھے. قاسم کا لاشا خیمے میں آیا, ایک قرآن بلند ہوتا ہے, واہ قاسم کے نعرہ بلند ہوتا ہے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. پروردگار سم الخیر قبول فرما حاضرین مجلس کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں, جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں, جو جزارت کی متمنی ہے جیسے جلد جزارت سے مشرف ہوں, جو دشمنان آل محمد نیست نابود ہو جائیں وہ جیسے جلد امام زمانہ کا سکر.